नमस्कार, मैं हूं पारुल गंगवार और आप देख रहे हैं यूपी की आवाज। आइए रुक करते हैं खबरों की ओर। मामला बुलंदशहर थाना अध्यक्ष औरंगाबाद अनिल कुमार मैं पुलिस फोर्स से लखावटी चेक पोस्ट पर चेकिंग कर रहे थे, तभी रात्रि के लगभग समय 12 बजे एक मोटरसाइकिल पर सवार 3 व्यक्ति आते दिखाई दिए, जिनको रोककर मोटरसाइकिल के कागजात लाने को कहा तो तीनों व्यक्ति कागजात दिखाने में असमर्थ थे। तीनों अभियुक्तों की जब तलाशी ली गई तो उनके पास से अवैध असले भी बरामद हुए। गिरफ्तार अभियुक्तगढ़ से पूछताछ की गई तो उन्होंने पैशन प्रो मोटरसाइकिल थाना औरंगाबाद क्षेत्र के नागेश्वर मंदिर के पास से चोरी किया था। अभियुक्तों द्वारा चोरी की मोटरसाइकिलों को अभियुक्त गोलू द्वारा अपनी मोटरसाइकिल रिपेयर की दुकान पर मोटरसाइकिल को काट कर उसका सामान बेच दिया गया था। अभियुक्तों द्वारा बरामद अन्य 3 मोटरसाइकिलों को दिल्ली जनपद गौतम बुद्ध नगर व गाजियाबाद से चोरी करना बताया गया, जिनके बारे में जानकारी की जा रही है। अभियुक्तों ने ये भी बताया कि वह तीनों लोग पिछले काफी दिनों से मोटरसाइकिल चोरी की घटनाओं को अंजाम दे चुके हैं, 2500 रुपए नगद भी मिले हैं। पुलिस इस घटना के खुलासे को अपनी बड़ी कामयाबी मान रही है। क्या नाम है? नहीं, ये बताओ कहाँ से चोरी की? वो सबसे पहले कितनी बाइक चोरी कर चुके हो? सबसे पहले नहीं, पहली बार। पहली बार चोरी करके कहाँ बेचते थे? कितने रुपए में कार्ड सियाने बेचते थे? कितने रुपए में बेचते थे? कोई 3-4 हजार, 5 हजार। क्या पूरा मामला? जैसा कि आप लोगों को पता ही होगा कि शहर क्षेत्र में, औरंगाबाद क्षेत्र में, देहात क्षेत्र में काफी बाइक चोरियों के प्रकरण सामने आ रहे हैं, तो उसी के तहत एसएसपी सर के आदेश हैं और एक अभियान चलाया गया है कि उसमें जितने भी बाइक चोर हैं सघन चेकिंग करके उनकी तलाशी की जाए। अगर ऐसे लोग मिलते हैं रोड पे या फिर शाम के टाइम में, दोपहर के टाइम में, तो इसी क्रम में थाना औरंगाबाद क्षेत्र में लखावटी चौकी के पास सुबह ग्यारह बजे से लेकर 2 बजे तक अभियान चल रहा था। उसमें चेकिंग की जा रही थी, उसी टाइम पे 3 लोग अलग अलग बाइकों पर आते हुए दिखाए गए और मिले हैं। उनको रोका गया तो उनसे कागज वगैरह पूछे गए तो उनके पास कोई कागज वैलिड नहीं मिले। फिर उनकी जब चेकिंग की गई तो उनके पास से एक तमंचा और 2 चाकू बरामद हुए, 2500 रुपए भी बरामद हुए। तो जब इनके कागज लाके, फिर जब इनको लेके थाने पे लाके पूछताछ की गई तो पता चला कि एक बाइक औरंगाबाद क्षेत्र से चोरी हुई थी और बाकी 2 बाइकें जो है इन लोगों ने दिल्ली और गाजियाबाद से चोरी कराई है। एक बाइक का इनके फिर इनसे पूछताछ की गई तो एक बाइक का इंजन मिला, तो उसकी भी हम लोग आगे जांच करा रहे हैं। सर, ये बाइक चोरी करने के बाद कहां बेचते थे, कितने में बेचते? अब इसके लिए तो हम इनके लिए पीसीआर की डिमांड करेंगे, कोर्ट में ले आके इनको दाखिल करा के फिर पीसीआर लेंगे, फिर इनसे और भी आगे पूछताछ की जाएगी। तो जैसा भी बताया जाएगा फिर आगे की कनेक्ट, आगे भी जो भी आगे भी इन्होंने कई बाइकें चोरी करी है तो वो पता लगाया जाएगा पीसीआर के थ्रू। तो इनका सर पहले भी मुकदमे हैं या नहीं? अब जो ये 2-3 बाइकें जो है इनके मुकदमे है, एक नोएडा में है और 2 हमारे औरंगाबाद क्षेत्र में है, तो इनके ऊपर गैंगस्टर की भी कार्रवाई कराई जाएगी क्योंकि ये लोग बाइक चोरी करके उसको फिर धन अर्जित करते थे। तो फिर ये 3 मुकदमे एक साथ लगा के इनके ऊपर गैंगस्टर कराया जाए।